नमस्ते। हाँ, एक्चुअली मार्केट आज ऊपर नहीं जा सकता। ओके, मैं इन्फी को शॉर्ट किया हूँ। ओके, मुझे मन नहीं था आज ट्रेड करने के लिए। मतलब मार्केट ऊपर जाना चाहिए, लेकिन आज नहीं जाएगा, आज ऊपर नहीं जा सकता। ओके, इंडसइंड बैंक में एक बाई था। ओके, लेकिन उसमें एंट्री मिस हो गया। मैंने इंडसइंड बैंक को 14 पे लगाया था, लेकिन उसको कैंसिल कर दिया मैंने। ट्रेंड कंफर्मेशन हुआ था, 46 तक जा सकता है, 20 1-4-6 तक। लेकिन इन्फी, ओके, एक शॉर्ट के लिए है ये ट्रेड, ये शॉर्ट होना चाहिए। ओके, मन नहीं था फिर भी किया हूँ। तो इसका लेवल कैसे कंफर्म हुआ? ओके, मैं हटा रहा हूँ सब कुछ। ये हाईएस्ट वॉल्यूम था। ओके, ये हाईएस्ट वॉल्यूम से ये गिरा था, अभी इसके ऊपर ये बुलिश होके ऊपर जाना चाहिए। लेकिन आज ट्रेड करना है तो ब्रेक इन साइड ट्रेड करना है। ब्रेक इन साइड ट्रेड का मतलब है इधर से हो सकता है, अगर इसके ऊपर खुला है तो 61 से हो सकता है, नहीं तो इसके ऊपर तो नहीं होगा क्योंकि खुला नीचे। ओके, तो ये दो ही लेवल है ट्रेड करने के लिए, बाई ट्रेड करने के लिए। तो ये हाई से ये ब्रेक इन साइड नहीं होगा, ये हाई से ये ब्रेक करना ब्रेक इन साइड है, लेकिन आज ब्रेक इन साइड नहीं हो सकता क्योंकि ओपनिंग वीक है। ओके, तो ये कारण से जब ये ऊपर जा रहा था, अगर आप देखते हो इधर एक लॉन्ग्स बना था, और सॉरी मतलब ये लेवल्स पटा रहा हूँ मैं, इधर एक प्राइस एंड वॉल्यूम से एक सपोर्ट बनाया था, इसने इसको तोड़ के क्लोज दिया था। ओके, क्लोज दिया था मतलब है अभी ये ऊपर जाना चाहिए। ये कैंडल में इसको तोड़ा विदाउट वॉल्यूम, लेकिन ये जब वो वॉल्यूम आया ना, इसका जो वॉल्यूम है 158, इसका 162 है, मतलब ज़्यादा वॉल्यूम आया, प्राइस निकाल के बाहर जाना चाहिए था, नहीं गया, उसका कारण से ये एक रेजिस्टेंस बन सकता है। ओके, उसके बाद इसने लोअर लो करना शुरू कर दिया है, बाद में वन डे में ये जो हाई है एक इम्पॉर्टेंट हिस्टोरिकल लेवल हो सकता है। इसका मतलब है ये जो लेवल है इधर से ये गिरना चाहिए, जब इधर से गिरेगा वो लेवल को टच नहीं करना है, ये जो 71.90 है उसको टच नहीं करना है वो लेवल। लेकिन उसको जो ब्रेक डाउन किया है वो है एक हंड्रेड 73, इसका हाई। तो ये कारण से 73 पे मैं स्टॉप लॉस रख के, इसका जो है स्टॉप लॉस 73 है, 73 में इसका स्टॉप लॉस रख के मैं 70 को शॉर्ट किया हूँ। ओके, ये जो 70 है इसको शॉर्ट किया हूँ, 1000 रुपीज़ का स्टॉप लॉस है। अगर ये गिरा, अच्छा बहुत सा नीचे गिर सकता है ये, अगर गिरा तो, क्योंकि ये ऊपर जाना चाहिए लेकिन हाई से रिजेक्शन मार रहा है इसने, तो अगर नीचे गिरा तो बहुत बड़ा गिरावट आ सकता है, उसके लिए मैं इसको शॉर्ट किया हूँ। लेकिन इन्फोसिस को जाना ऊपर ही है, ये क्या करेगा, ये क्या करेगा, अगर हाई से बाइंग नहीं मिलता है तो लो, लो कौन सा हो सकता है, लो इसमें जब गिरा था ना, जब गिरा था तो उसका हाईएस्ट वॉल्यूम है ए वाला। ओके, इधर से इसको इधर तक इसका क्या है आ सकता है। ओके, आज हायर हाई कर दिया तो हाई वोलेटाइल हो गया, तो ये लेवल तक ये आ सकता है, मतलब इसके पहले बहुत सारा सपोर्ट्स है, अगर हाई से नहीं गिर सकता है तो ये सपोर्ट पे आना चाहिए, ये कारण से मैं इसको ट्रेड किया हूँ, देखेंगे क्या होता है। चलो, इतना टाइम हो गया, कुछ भी मूवमेंट नहीं है, हाँ साइडवेज हो गया। मैं जो बताया था मार्केट तो नीचे आना है, ऊपर नहीं जा सकता, रॉन्ग ओपनिंग था आज। लेकिन इन्फी में कोई मूवमेंट नहीं है, मतलब देखेंगे क्या, लो टूटेगा तो 59 तक आएगा, ये तो ऊपर तो नहीं जाएगा, स्टॉप लॉस तो बचेगा, दैट इज़ द थिंग, अदर थिंग।
आज कोई मूवमेंट नहीं है, बहुत बोरिंग है। हाँ, मुझे मॉर्निंग में ही एनर्जी नहीं था, एनर्जी मॉर्निंग से ही नहीं था, क्योंकि मार्केट ऐसा होना मुझे पता था कि भाई कुछ मूवमेंट नहीं होगा आज, देखेंगे। चल, ये क्या है, मतलब ये होवर करेगा, क्योंकि एक सपोर्ट है इधर इधर किधर भी एक सपोर्ट था। कौन सा सपोर्ट था वो? कौन सा सपोर्ट? तो अभी ये सपोर्ट नहीं टूटा है भाई। हाँ, मतलब अगर ये लो टूटता है तो मूवमेंट आ सकता है। ओके, अगर लो टूटा मूवमेंट आ सकता है, नहीं तो नहीं। हाँ, कुछ स्टॉप लॉस तो बचेगा। लेट्स सी व्हाट हैपेंस। अभी भी टाइम है, मतलब 1.5 आवर। ओके, एज एक्सपेक्टेड ये लो, मतलब वो लो को टूटा। टूटने के बाद हाईएस्ट वॉल्यूम से ब्रेकआउट आया, मतलब ये लेवल को ब्रेकआउट करने की कोशिश किया। अगर मान लो ये भी हायर ही मानता है, आज का मोमेंट खत्म, नहीं तो ये टूट के इधर तक आ जाएगा। देखेंगे क्या होता है। ओके, कितना 1000 कुछ मोमेंट नहीं है, बहुत बोरिंग है आज। देखेंगे, लास्ट मिनट तक हमको वेट करना है भाई। ये इसमें रिलायंस में कच्चा अपॉर्चुनिटी था, मेरा हाइपो बाई था, उसके लिए मैं इसको शॉर्ट नहीं किया। पहला कैंडल में ही वॉल्यूम ब्रेकआउट हुआ था, उसके बाद देखो इसका ओपनिंग वीक था। ओके, तो इधर से शॉर्ट था, अभी हाईएस्ट वॉल्यूम भी आ गया क्या भाई? ओहो, वेरी गुड। इन फिर लो टूट जा भाई, एटलीस्ट 2-3 थाउजेंड का प्रॉफिट दिखा दो। मॉर्निंग में इंडसइंड बैंक को मैं ऑर्डर डाला था लिमिटेड में, वो रिजेक्ट हो गया, मतलब कैंसिल कर दिया मैंने। तो ये 170 पे इसका ये मिला। चले, मैं 315 तक इसको छोड़ देता हूँ। ओके, और भी अनदर 45 मिनट्स है, देखेंगे कुछ हो सकता है क्या आज इसमें। नहीं तो मतलब स्टॉप लॉस तो उधर तक नहींगा, 100 रुपीज़ में मिला तो नो प्रॉब्लम। देखेंगे, चलो कुछ तो मिल रहा है इसमें। ओके, ये लोड टूट रहा है, देखेंगे किधर तक आ सकता है। और अभी भी 10 मिनट्स बचा है, देखेंगे किधर तक आता है। ओके, मैं लास्ट मिनट तक ऑटो स्क्वायर ऑफ होने तक छोड़ देता हूँ, देखेंगे कितना आता है। ओके, फाइन फाइन फाइन। ग्रासिम एक अच्छा ट्रेड था रिलायंस में, मिस कर दिया। अच्छा, ओके, नो प्रॉब्लम। निफ्टी अभी भी 62 पॉइंट्स बाकी है, 65 पॉइंट्स। क्या आज आ सकता है क्या, देखेंगे। चलो 317 हो गया, अभी ऑटो स्क्वायर ऑफ हो जाएगा। मतलब प्रॉपर एंट्री था, एवरीथिंग वाज फाइन। स्टॉप लॉस पे तो नहीं गया, लेकिन मूवमेंट नहीं मिला, क्योंकि हाइपोथेसिस भाई है इसमें, सेल नहीं कर सकते। मार्केट का ओपनिंग रॉन्ग था आज, उसके लिए इधर तक आया। इसका 62 तक आ सकता था, 262 तक, लेकिन क्या होता था, आ सकता है। फाइन, एच सी एल टेक में मिस किया ट्रेड में, ऐसा होता है। मतलब आई वॉज नॉट इन ए मूड टूडे। हाँ, वन दिमाग सही नहीं है तो नथिंग विल वर्कआउट। हाँ, नो प्रॉब्लम, जो कुछ भी मिला है मिला है, तो कल अच्छा ट्रेड्स करेंगे। हाँ, एटलीस्ट 2000 हो जाने दो भाई, अंदर 2 मिनट्स है। ओके, ऐसे तो होता रहेगा, मतलब हर एक दिन हमारे हिसाब से तो नहीं चलेगा मार्केट। मोमेंट बहुत लेट हो गया इसमें। इधर एक सपोर्ट पड़ा था 68 पे एक सपोर्ट था, उसको ब्रेक करने में थोड़ा टाइम लगा, तो नहीं तो शायद 59 तक आ सकता था आज। नहीं है, ऐसा होता है, कुछ नहीं कर सकते, दैट्स फाइन। चलो, हाँ, इसमें क्या है, हाँ?
अभी 2 मिनट्स बचा है, इसको 8 स्क्वायर ऑफ होने के लिए मैं छोड़ देता हूँ। ओके, तो कल मिलेंगे भाई। ओके, टेक केयर।